सिद्धार्थनगर जिले में 28 जून को सदर थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव के रहने वाले 16 वर्षीय किशोर की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया। हत्या के आरोप में पकड़े गए सभी 6 अभियुक्त उसी गांव के निवासी हैं। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि 29 जून की देर रात अवनीश की लाश सेमरा पुल के नीचे बरामद हुई थी, जिसमें अवनीश का गला कटा हुआ था और तभी से पुलिस इस मामले की गहनता से जाँच कर रही थी। पुलिस ने इस मामले का सर्विलांस के माध्यम से जब पर्दा उठाया तो सबके होश उड़ गए। गांव की ही एक लड़की से मृतक अवनीश और अभियुक्त निजामुद्दीन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी होने के बाद निजामुद्दीन बौखला गया और अवनीश को राह से हटाने के लिए अपने साथियों का सहारा लेकर इस घटना को अंजाम दिया। इनके घर वालों ने 21 तारीख को सूचना दिया कि उनके बेटे की लाश नाले में पड़ी हुई है। पहले सूचना ज्ञात भी थी, ये पहचान भी ज्ञात हुआ कि 28 तारीख को ही इनकी हत्या खजुरिया गांव के पास में हुई थी। 5 लोग हैं जो प्रेम प्रसंग के चलते मिल करके एक साथ उस तरह से भोग करके इनकी हत्या किया और फिर रात होने पर 28 को ही रात में सेमरा पुल के पास में नाले में फेंक दिया। पंचायत नामा पोस्टमार्टम करने के बाद घटना का सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस द्वारा सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा छानबीन किया गया कि 6 और पकड़े गए। उनके कब्जे से उस तरह मोबाइल फोन और जिस मोटरसाइकिल से लाश को ले जाकर के नाले में फेंका था वो मोटरसाइकिल और अभियुक्तों के भी मोबाइल फोन। निजामुद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अस्तूरे से अवनीश का गला काटकर हत्या कर दी और लाश को सेमरा पुल के नीचे फेंक दिया। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों को आला कत्ल पकड़ा और आगे की कार्यवाही में जुट गई। रिपोर्टर्स पेज के लिए सिद्धार्थनगर से राकेश यादव की रिपोर्ट।